और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। टीकमगढ़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक बार फिर बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। यहाँ 25 वर्षीय युवक की लापरवाही ने जान ले ली। दरअसल 25 अप्रैल को ऑक्सीजन की कमी बताकर युवक को जिला अस्पताल से निवाड़ी के रामराजा अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, जहां उसकी देर शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि जोतारा SDM सौरव सोनवने को मरीजों को रामराजा अस्पताल में भर्ती कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां सामान्य मरीजों को ही इलाज के लिए भर्ती किया जा रहा है। इसकी जानकारी टीकमगढ़ जनसंपर्क विभाग ने सोशल मीडिया पर दी थी। अब सवाल उठता है, जब सामान्य मरीजों को रामराजा अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है, तो फिर 25 वर्षीय युवक की सामान्य स्थिति होने पर भी मौत कैसे हो गई? इसका जवाब मृतक युवक के परिजन मांग रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। इससे साफ जाहिर होता है प्रशासन और डॉक्टरों की लापरवाही के चलते ये मरीज की मौत हुई है। जिला अस्पताल में भर्ती रहा, ठीक ठाक था, डॉक्टर ने सही कहा। आज फिर बाहर बोले 10 दिन बाद कि ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, तो जबरदस्ती वहाँ रामराजा हॉस्पिटल भेज दिए उठा वाले। बस वहाँ से 2 दिन पता, बस एक शाम को लगा गए, दिन भर रात शाम को पता पड़ा, बस डेट हो गई। क्या लगता है आपको, रामराजा हॉस्पिटल में मनमानी चल रही है? सर वहाँ कोई वो नहीं है फैसिलिटी, वहाँ कोई वो नहीं है, मरीजों को कैसे भगा रहे हैं। हम तो वहाँ खड़े खड़े देखते रहे, मैं जगह लग लग दिया, मुझे यहाँ से वो ले जाएंगे, यहाँ से जो रेफर किया जा रहा है टीका और मीनाबाड़ी से, केवल उन्हीं को लिया जा रहा है, और जो वहाँ से और मरीज जा रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है।